हे वेलकम गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल अगेन। तो आज की वीडियो में बनाने जा रहा हूँ सुभजीत मंडल आर्ट्स का स्केच, जो कि खुद एक आर्टिस्ट हैं। लास्ट डे अभी कुछ दिन पहले एलिफेंट की मौत हो गई थी, जिसका बेबी भी मर गया था। एक पता नहीं कुछ लोगों ने उसको अनानास के अंदर पटाखे भर के खिला दिए थे, तो उसी के ऊपर उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जो कि बहुत फेमस हुई। और वो बहुत अच्छे अच्छे आर्ट्स बनाते हैं, उन्हीं की वीडियोस देख देख के मैं भी इतना अच्छा बना पाता हूँ, उन्हीं से इंस्पायर हुआ, उन्हीं से मोटिवेट हुआ हूँ। तो मैंने सोचा उनको क्रेडिट देना चाहिए, तो उनको क्रेडिट देने के लिए मैं उनका आज स्केच बनाऊँगा। तो चलो इस स्केच को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को एंड तक देखना। ये टाइम लैप्स है, मैंने ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं रखा है क्योंकि आप लोग वीडियो देख के स्केचिंग देख के बोर हो जाते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो देखो भाई क्या हो गया, मैं अभी बना ही रहा था, बाल मैंने कंप्लीट ही कर लिए थे कि ये देखो यहाँ पेपर में होल हो गया। एक होल तो नहीं हुआ, मतलब ये थोड़ा सा फट सा गया यहाँ से, इसके वजह से बेकार हो गया। तो अब इसे मैं ब्लेंडिंग करके कोशिश करूँगा इसे ढकने की, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है बीच में। तो चलो अपना स्केच कंटिन्यू करके फिर। स्केच तैयार हो चुका है जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो आपके लव और सपोर्ट के लिए थैंक यू। लास्ट मैंने एलिफेंट के ऊपर एक पेंटिंग बनाई थी, तो आपने उस पर इतना प्यार दिखाया, अपने सपोर्ट दिखाया, मेरे वन नाइट में 100 से ऊपर व्यूज़ गए। तो आपके लव और प्यार सपोर्ट के लिए थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को भी इतना ही सपोर्ट दो, इस स्केच को भी इतना ही सपोर्ट दो, मुझे सपोर्ट करते रहो। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक ले बाय।